नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में कुल मराठा समाज जिला बीदर की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने राज्य में दलित महिला पर हमले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले की नड्डा ने की निंदा। 5 नेत्रियों की समिति बनाई। 10 साल के दमन से आजादी के लिए लोगों ने दिया फैसला। संयुक्त सत्र के संबोधन में बोली तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन। मथुरा ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 15 दिसंबर को बीदर के पत्रिका भवन में कुल मराठा समाज जिला बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें मराठा समाज के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। इस प्रेस मीट में वकील और कांग्रेस कार्यकर्ता नारायण गणेश को बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट देने की मांग की गई और कहा गया कि हम कांग्रेस आला कमान से बीदर जिले के जाने माने वकील नारायण गणेश को कांग्रेस का टिकट देने का आग्रह करते हैं, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले बीदर और कर्नाटक राज्य के 20 शहरों में आयोजित मराठा क्रांति मूक मोर्चा का आयोजन किया था। और कहा गया कि अगर मराठा नेताओं को टिकट मिलना है तो उन्हें मराठा समुदाय, मुस्लिम, लिंगायत और पिछड़े वर्गों दलितों के 4 लाख वोट मिलेंगे और जीत आसान हो जाएगी। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अपने प्रोफेशन में रह के एडवोकेट के साथ तमाम बीदर 25 साल से तमाम बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर बहुजन समाज के साथ, मूवमेंट के साथ सभी सामाजिक कार्य करते हुए उन्होंने अपने 20-25 साल समाज को दिए हैं। इसीलिए हम बीदर जिले के ओर से, मैं औरा तालुका से मारुति वाड़ीकर, मैं चाहता हूं कि बीदर जिला लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री एडवोकेट नारायण गणेश सर, इनको टिकट मिलना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर ये प्रेस मीट लिए और बीदर बालकी बसो कल्याण होमनाबाद हर तालुका से यहाँ पर लोग आए हुए और हर तालुका के अंदर प्रेस मीट हुआ है। हर तालुका के अंदर बीदर से लोकसभा चुनाव के लिए नारायण गणेश सर का नाम लिया है और ये हमारा देश लोकशाही तंत्र है, यहाँ पर हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि मराठा समाज की ओर से और कोई नहीं पूछा, हर किसी को पूछने का अधिकार है। मगर आज हम मराठा समाज की ओर से कांग्रेस पक्ष के लिए मराठा समाज की ओर से बीदर से लोकसभा चुनाव के लिए श्री एडवोकेट नारायण गणेश सर को टिकट मिलना चाहिए, इसी के लिए हम कांग्रेस गवर्नमेंट को, कांग्रेस पार्टी को विनती करते हैं। चुनाव नम नारायण गणेश टिकेट को नमदे मन ಅವ್ ನಿಮ್ ಥ್ರೋ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಮ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನದ, ಯಾರು ವೀಕ್ ಇದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಾಗತ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಡೌಟ್. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗಣೇಶ್ವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಕೊಪ್ಪ 17 ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ. ಈಗ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೂಟೇಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಅದು ಏನೋ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಇದೆ. बीजेपी प्रोटेस्ट कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने बेलगावी में एक महिला के साथ मारपीट और उसे नग्न घुमाने की घटना के खिलाफ शुक्रवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से व्यस्त हो गई है। एक अनुसूचित जाति की महिला को बिना किसी कारण के नग्न किया गया और जुलूस निकाला गया, उसे बिजली के खंभे से बांध दिया गया और पीटा गया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं देती है। 11 दिसंबर को बेलगावी के वंतमुरी गांव में महिला के बेटे के उसी समुदाय के एक लड़की के साथ भाग जाने के बाद कथित तौर पर महिला को नग्न कर घुमाया गया और एक खंभे से बांध दिया गया।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से महिलाओं के साथ होने वाले जाघन्य अपराध बढ़ गया है और यह अब रोजाना हो रहा है। नड्डा ने कहा कि यह कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्रीमती रंजिता कोहली और डॉक्टर श्रीमती आशा लकड़ा को शामिल किया गया है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। दरअसल महिला का बेटा एक लड़की के साथ घर छोड़कर भाग गया था, जिसकी सगाई किसी और से होने वाली थी। इस कृत्य के बारे में पता चलने पर लड़की के परिवार के सदस्यों ने न्यू अंतमुरी गांव में उसके घर पर हमला किया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद वे उसकी माँ को घसीट कर ले गए, उसे निर्वस्त्र घुमाया और बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन ने कहा कि 10 साल के दमनकारी शासन से आजादी के लिए तेलंगाना के लोगों ने हालिया विधानसभा चुनाव में अपना फैसला दिया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार अपने हर वादे को पूरा करेगी। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहला विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि साल 2023 इतिहास में तेलंगाना में नई शुरुआत के लिए याद किया जाएगा। लोग बदलाव महसूस भी कर रहे हैं। तेलंगाना आजादी की ताजी हवा में सांस ले रहा है और अब राज्य निरंकुश शासन और तानाशाही प्रवृत्ति से आजाद हो गया है। तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों की तरफ से तेलंगाना सरकार श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देती है, क्योंकि यूपीए की अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी ने तेलंगाना के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा सरकार उन सभी पार्टियों, नेताओं, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद देती है, जिन्होंने 2014 में नया राज्य तेलंगाना बनाया और लोगों की लंबे समय से अधूरी इच्छा को पूरा किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कामकाजी महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव यानी सवेतन मासिक धर्म अवकाश दिए जाने पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन महिलाओं के जीवन का नेचुरल पार्ट है, इसे दिव्यांगता यानी किसी तरह की कमजोरी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान ऑफिस से लीव मिलना महिलाओं से भेदभाव का कारण बन सकता है। स्मृति ईरानी के इस बयान पर तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने आपत्ति जाहिर की है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता के कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म कोई विकल्प नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। पेड मेंस्ट्रुअल लीव से इनकार करना दरअसल अनगिनत महिलाओं के सहे जाने वाले वास्तविक दर्द को नजरअंदाज करना है। के कविता ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया से बहुत हैरान और मायूस है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद,
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उन प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद बिना किसी जंग के सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय भारत में करवाया था। यही वजह है कि लोग उन्हें लोह पुरुष कहते हैं। आज 15 दिसंबर सरदार पटेल की 73वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और उनके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश की एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट देश के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे और समृद्ध भारत के उनके सपने को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। कांग्रेस 28 दिसंबर को अपना 139वां स्थापना दिवस समारोह नागपुर में आयोजित करने जा रही है। इस अवसर पर पार्टी नागपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन भी करेगी जिसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस रैली से कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इसमें करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों के शिरकत करेंगे। मुरादाबाद के गलशही थाना क्षेत्र के प्रिंस रोड स्थित चांद वाली मस्जिद के पास एक मकान पर एक महिला व उसके पुत्र साबुर ने दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर एक मकान के ताले तोड़कर मकान के अंदर जबरन घुस गए और उस पर जबरन कब्जा कर लिया। मकान स्वामी फरहत को जब इस बात का पता चला तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पर दी, लेकिन आरोप है कि डायल 112 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मामले में जानकारी देते हुए मकान स्वामी फरहत अली ने बताया कि उसके भाई की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। मृतक ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। भाई की तलाकशुदा पत्नी और उसके पुत्र सबूर ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके मकान के ताले तोड़कर मकान के अंदर जबरन घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। पड़ोसियों द्वारा उन्हें इस बात का पता चला, तुरंत उन्होंने मौके पर पहुंचकर डायल 112 को सूचना दी। आरोपी के डायल 112 पर सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही आरोपियों के खिलाफ नहीं की। उन्होंने बताया कि एक प्रार्थना पत्र भी गल शहीद थाने पर दिया गया है जिसमें सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। सर, मैं रात ये घर बंद करके गया और मेरा घर है ये गोदाम है मेरा, और यहाँ पर रात 4 बजे क्या नाम है कोई अज्ञात व्यक्ति और रुबीना और सबूर और कुछ लोग और थे, कुछ अज्ञात लोगों के साथ यहाँ आ गए और उन्होंने ताले तोड़ दिए इसके, और ताले तोड़ने के बाद में मैंने 112 पे कॉल करी और क्या नाम है पुलिस भी आई। आने के बाद में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। मथुरा ईदगाही मस्जिद में सर्वे पर रोक लगने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। बता दें कि बुधवार को इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा ईदगाह मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है याचिकाकर्ता छुट्टियों के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। दरअसल मथुरा शाही ईदगाही मस्जिद ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को सीजेआई के सामने उठाते हुए कहा गया कि आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाही मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाही मस्जिद ट्रस्ट और यूपी सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं करता है तो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई जारी रखेगा, जबकि हमने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा निचली अदालत की बजाय खुद मामले की सुनवाई किए जाने को चुनौती दी है।
शाहिद गाय मस्जिद ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इस विवाद में जुड़ी सभी 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित करने 26 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश में भाजपा को जिताने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बन पाए। पार्टी ने मोहन यादव को मौका दिया है, लेकिन शिवराज के समर्थकों को अभी भी उम्मीद है। वो जहां जाते हैं वहां महिलाएं उन्हें घेर लेती हैं। लाडली बहना योजना ने आधी आबादी में उनकी लोकप्रियता और बढ़ा दी। इसकी वानगी विदिशा में भी देखने को मिली। यहां महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और कहने लगे, आपको आना ही होगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शिवराज भी भावुक हो गए और चश्मा हटाकर आंसू पोंछते नजर आए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में कुल मराठा समाज जिला बीदर की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने राज्य में दलित महिला पर हमले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले की नड्डा ने की निंदा। 5 नेत्रियों की समिति बनाई। 10 साल के दमन से आजादी के लिए लोगों ने दिया फैसला। संयुक्त सत्र के संबोधन में बोली तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन। मथुरा ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।